आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद, मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा आयोजित ज्ञानोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह श्री अरुण कुमार ने कहा, एक राष्ट्र एक समाज और एक संस्कृति भारत की विशेषता है। आइए सुनते हैं उनके वक्तव्य के कुछ अंश। आपको दुनिया के सब देशों में अंतर दिखाई देगा, लेकिन पूरे भारत का आप देखेंगे, सारे देश के अंदर एक निरंतरता है, एक वैशिष्ट्य है। सारे देश के अंदर, हर कालखंड के अंदर भाषाओं की विविधता, खान पान की विविधता, मत पंथों की विविधता, लेकिन सारे देश के अंदर समान मूल्य, समान संस्कृति, समान जीवन की पद्धति, एक राष्ट्र एक जीवन, एक राष्ट्र एक संस्कृति, एक राष्ट्र एक समाज एक संस्कृति, वन नेशन वन पीपल वन संस्कृति। प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय संयोजक जे नंद कुमार ने कहा, वनवासी समाज के लोकगीत हो या परंपराएं, उनमें संपूर्ण भारतवर्ष के दर्शन होते हैं। प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय संयोजक जे नंद कुमार ने मानगढ़ बलिदान दिवस पर संबोधित करते हुए कहा कि वनवासी समाज के लोकगीत हो या परंपराएं, उनमें संपूर्ण भारतवर्ष के दर्शन होते हैं। वनवासी समाज ने जब भी कोई विचार किया है, संपूर्ण देश के लिए किया है। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता संग्राम में सर्वाधिक योगदान वनवासी समाज का रहा, वह चाहे केरल की कुरचिया जनजाति हो या जबलपुर की संथाल जनजाति या पूर्वोत्तर, लेकिन भारत की संस्कृति में विद्वेष की नियत वाली ताकतों ने इन बातों को कभी उभर कर नहीं आने दिया। उन्होंने आह्वान किया कि विघटनकारी शक्तियों के लिए सज्जन शक्ति को संगठित होना होगा और पूरी शक्ति के साथ उनके सामने खड़ा होना होगा। आईआईटी कानपुर ने बनाया ऐसा फिल्टर जो एसी को कन्वर्ट कर देगा एयर प्यूरिफायर में। सर्दियों के मौसम में धूल और धुएं वाली हवा में सांस लेने को मजबूर लोगों के लिए आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों की टीम एक समाधान लेकर आई है। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने ऐसा एयर फिल्टर तैयार किया है जो घर के अंदर मौजूद 99% तक प्रदूषण को साफ कर सकता है और यह काम एसी का फैन मोड ऑन करके भी किया जा सकता है। इन एयर फिल्टर्स में एंटीमाइक्रोबियल एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगा है। इस तकनीक से घर के अंदर शुद्ध हवा पाने का समाधान निकाला गया है। उत्तर और दक्षिण भारत के सांस्कृतिक मिलन का हुआ शुभारंभ, काशी तमिल संगमम ट्रेन का प्रयागराज जंक्शन पर होगा वड़कम। वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगमम को लेकर काशीवासी जितने उत्साहित हैं, तमिलनाडु में भी वड़कम काशी के लिए उतना ही उत्साह है। काशी तमिल संगमम में शिरकत करने के लिए जा रहे प्रतिभागियों का उत्तर मध्य रेलवे प्रशासन प्रयागराज जंक्शन पर स्वागत करेगा। बताया जा रहा है कि रामेश्वरम वाराणसी एक्सप्रेस से आ रहे प्रतिभागियों का कल शुक्रवार रात प्रयागराज जंक्शन पर स्वागत होगा। आपको बता दें कि वाराणसी में एक माह के लिए काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है। एक महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगमम में इस बार एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम है, इसी पर काशी को भी सजाया जा रहा है। इस अवसर पर उत्तर दक्षिण की संस्कृतियों, परंपराओं, खान पान और शैलियों का संगम तो होगा ही, साथ ही तमिलनाडु के 12 प्रमुख मठों के महंतों को सम्मानित भी किया जाएगा। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। राम जन्मभूमि के संग्रहालय में दिखेगी 12वीं शताब्दी की धनुर्धारी राम की स्वर्ण मुद्रा। उत्तराखंड में मदरसों को लेकर बड़ा फैसला, अब मदरसों में स्काउट गाइड की शिक्षा होगी अनिवार्य। हिंदू लड़की को गंदे मैसेज भेजकर ब्लैकमेल करता था यूट्यूबर पत्रकार मोहम्मद वसीम अहमद, नोएडा पुलिस ने किया गिरफ्तार। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने रचा इतिहास, देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रमएस श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक हुआ लॉन्च। यूपी सरकार में प्रदेश में जबरन मतांतरण करवाने वालों की खैर नहीं, अब तक 291 मामले दर्ज, 507 से ज्यादा गिरफ्तार। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार, तब तक के लिए नमस्कार।